Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about alkyl halides, aaj humne baat ko shuru karni hai from organometallic compounds. To sabse pehle kya kar lete hain, let us give the heading organometallic compounds ki heading humne de di. सबसे पहले क्या कर लेते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में, लेट अस हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन. डेफिनेशन जब हम लिखते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की, तो इट इज डिफाइंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन कार्बन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड covalent bond in its structure. जिस organic compound के अंदर at least one carbon metal covalent bond structure के अंदर नजर आए आपको, तो उसको हम generally क्या कह सकते हैं, we can call them as organometallic compounds. अब इसमें अगर आपने example देनी है, you can give the example of RLI. इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड. ऑर्गेनो लिथियम इसको हम कहते हैं. और दूसरा कंपाउंड जिसकी हमने थरो एनालिसिस करनी है, दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आर एम जी एक्स. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं. अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इसको हम क्यों कहते हैं, बिकॉज सबसे पहली बात तो दिस वाज सिंथेसाइज्ड बाय प्रिपेयर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड व्हाट, साइंटिस्ट कॉल्ड विक्टर ग्रिग्नार्ड. विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इस आर एम जी एक्स को सिंथेसाइज किया. किस साल में, इट वाज डन इन द ईयर 1900. 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड, हु वाज बेसिकली अ रशियन केमिस्ट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को उसने सिंथेसाइज किया. अब सिंथेसिस की अगर हम क्या करें, सिंथेसिस की अगर हम डिटेल देखें, तो उसमें पता चलता है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी गॉट टू कंबाइन एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एन ईथर. लेकिन उसकी प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं लाइक दिस, preparation of Grignard's reagent. Grignard's reagent की preparation कैसे करनी आपने, like I told you got to take a molecule of alkyl halide और alkyl halide molecule को लेके उसकी combination करनी है with magnesium metal in the presence of dry ether. अगर आपने इसको generally लिखना है, तो you can write down the reaction like this, Rx combines with magnesium metal. ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या किया, आपने ड्राई ईथर लिया. ड्राई ईथर का मतलब, ईथर आपको पता है कि इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज आर ओ आर, ये इसका जनरल फॉर्मूला है. लेकिन द वर्ड ड्राई इंडिकेट्स इट मस्ट नॉट कंटेन एनी मॉइस्चर इन इट, नमी उसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए, पानी के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद नहीं होने चाहिए. पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो ये क्या कर सकता है, रिएक्शन को ख़राब कर सकता है, और आपको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बजाय कुछ और मिल जाएगा प्रोडक्ट के तौर पर. ठीक है, तो यू हैव टू कंबाइन दीज टू सब्सटेंसेस विद वन अनदर. कॉम्बिनेशन में यू गेट एन एडिशन प्रोडक्ट विच इज रिटन एज आर एम जी एंड एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है. नाउ इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक अबाउट दिस रिएक्शन, जो हमने जनरली यहां पर मेंशन किया है, इसको आप क्या कर लो, स्पेसिफाई कर लो, आर की जगह सी एच थ्री लगा लो और एक्स की जगह बी आर लगा लो. सी एच थ्री बी आर मिथाइल ब्रोमाइड कंबाइनिंग विथ मैग्नीशियम इज अगेन गोइंग टू प्रोड्यूस अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड यू विल गेट सी एच थ्री एम जी और बी आर. ठीक है, ये आपको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाता है. सो दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, एक जनरल है और दूसरा इज स्पेसिफिक. नाउ बिफोर वी कैन हैव अ लुक एट इट्स रिएक्टिविटी, एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर जो हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखेंगे, अल्काइल हैलाइड में यू हैव गॉट टू कॉम्पोनेंट्स, अल्काइल ग्रुप और उसके साथ हैलोजन मौजूद है. ठीक है, तो हैलोजन के हिसाब से
अगर हम इसकी रिएक्टिविटी देखें, बिकॉज ये जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम, यू कैन डिवाइड देम इनटू फोर डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, इसको यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं लाइक दिस, आर एफ, ठीक है, आर सी एल, आर बी आर एंड आर आई, चार हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया. सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. हैलोजन एटम को चेंज करके आप अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को चेंज कर सकते हो, विच कंबाइंस विद मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. अब इसमें जो इसकी रिएक्टिविटी का वो है ऑर्डर है, व्हेन यू राइट इट डाउन, यू गॉट राइट इट डाउन लाइक दिस, आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर, आर बी आर की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है आर सी एल से, और आर सी एल की रिएक्टिविटी ज्यादा है आर एफ से. तो व्हेन यू प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन, जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस. तो आयोडीन से लेके फ्लोरीन तक जाते जाते अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है? रिएक्टिविटी के डिक्रीज होने का मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, इसको तोड़ना मुश्किल होता जा रहा है. जितना कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, मॉलिक्यूल विल बी दैट मच मोर स्टेबल, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. ठीक है, तो इन चारों मॉलिक्यूल्स में से इफ यू वांट टू कंबाइन देम विद मैग्नीशियम, तो उसमें आप कह सकते हो कि अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं, दीज आर सपोज्ड टू बी द मोस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और जो आर एफ है ये लीस्ट रिएक्टिव है. लीस्ट रिएक्टिव इसलिए क्योंकि आर एफ में कार्बन हैलोजन बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है और अल्काइल आयोडाइड का बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है. ठीक है, तो ये तो एक तरीका है इसकी रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का. दूसरा तरीका अगर हम देखें, वी कैन रिप्रेजेंट द रिएक्टिविटी ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन इट. अल्काइल ग्रुप की रिएक्टिविटी को आप डिक्रीज करोगे इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन इट. अब इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर आपने करनी है तो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. यहां पर तीन मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. सबसे पहले लेंगे सी एच थ्री एक्स का. ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है C2H5X से, और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है C3H7X से. तो यहाँ पर भी आप ये कह सकते हो कि व्हेन यू प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन व्हाट हैपेंस, इस केस में भी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस. अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. यहां पर जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड था सी एक्स बॉन्ड एनर्जी वॉज द डिसाइडिंग फैक्टर कि कौन सा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल रिएक्टिव होगा और कौन सा जो है वो स्टेबल होगा. यहां पर जो रिएक्टिविटी है नीचे अल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो डिसाइडिंग फैक्टर है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अल्काइल ग्रुप. इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसी के साथ यहां पर मेंशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम्स की तादाद को जितना आप ज्यादा करते जाओगे उतना ही उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. तो उस हिसाब से अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करना चाहें, यू कैन से कि ये जो प्रोपाइल हैलाइड है, दिस वुड बी दी लीस्ट रिएक्टिव. सबसे कम रिएक्टिविटी इस मॉलिक्यूल की होगी, और सी एच थ्री एक्स जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्शन विथ हैलोजन टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं जिसके जरिए आप क्या करोगे, इनकी रिएक्टिविटी को देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को प्रोड्यूस करते हुए. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. इसको देखने के बाद अब हमने मूव करना है किसकी तरफ, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. लेट्स गिव द हेडिंग रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की हमने क्या करनी है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रिएक्टिविटी.
ठीक है. तो ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन की रिएक्टिविटी में वी गॉट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, वी गॉट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन. तो उसको समझने के लिए लेट अस बी स्पेसिफिक अबाउट इट. और इसमें मैं क्या कर लेता हूं, हर कोवेलेंट बॉन्ड को अलग अलग करके बना देता हूं आपके सामने ऐसे. CH3MgBr जो यहां पर हमने प्रोड्यूस किया था, इसी का स्ट्रक्चर यहां पर मैं आपको बना के दिखा देता हूं. CH3 combines with Mg और Br. ये टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. अब इसमें से अगर हम इस हिस्से के ऊपर फोकस करें, यू कैन से कि ये वाला जो पोर्शन है इस मॉलिक्यूल का, दिस इज पोलर और कार्बन और हैलोजन बॉन्ड्स के दरमियान जो सिस्टम बना हुआ है ये नॉन पोलर है. ठीक है, तो यहां पर मैग्नीशियम की कॉम्बिनेशन हुई है ब्रोमीन और कार्बन एटम के साथ. तो यू कैन से कि मैग्नीशियम वुड डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ब्रोमीन एंड कार्बन एटम्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. उसकी वजह इनका नेचर है. नेचर क्या है, व्हेन यू टॉक अबाउट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज सपोज टू बी अ मेटल एंड मेटल्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को आमतौर पर डोनेट करना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते नहीं है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है. एज फार एज दीज टू एटम्स आर कंसर्न, ब्रोमीन हुआ और कार्बन एटम जो यहाँ पर मौजूद है, ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं. एंड नॉन मेटल्स के नेचर को अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स आर जनरली कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स. ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचें. तो अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी रखते हैं तो आमतौर पर इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. ठीक है, सो नॉन मेटल्स विल डेवलप अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लुक्स लाइक विथ द with reference to the presence of charges in it. अब next step में हमने क्या करना है, charges को समझने के बाद हमने ये समझना है कि अगर हमने इस molecule को involve किया in a reaction, reaction में जब हम इसको involve करते हैं तो bond cleave कहाँ से होगा. ठीक है, अब उसकी cleavage को समझने के लिए इसी molecule को generally मैं लिख लेता हूँ ऐसे यहाँ पर R, Mg and X. इसको हमने क्या करना है, जब हम बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं तो द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मैग्नीशियम एंड कार्बन क्लीव्स एंड इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस. ठीक है, इस इक्वेशन को लिख के दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये था कि आपको पता चले कि अगर हम ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन को रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा कहाँ से. ऑलवेज याद रखें, ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मैग्नीशियम एंड अल्काइल ग्रुप क्लीव्स एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस. अब ये भी आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि बॉन्ड को हमने कार्बन और हैलोजन के कोवेलेंट बॉन्ड को क्यों तोड़ा, सॉरी कार्बन एंड मैग्नीशियम बॉन्ड को क्यों तोड़ा आपने, मैग्नीशियम और हैलोजन बॉन्ड को क्यों नहीं तोड़ा. बिकॉज स्ट्रेंथ के हवाले से कंपैरिजन करके देखें तो हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम और हैलोजन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको तोड़ना काफी डिफिकल्ट होगा. इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू ब्रेक इट अप और तोड़ना मुश्किल है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. नाउ व्हेन यू कंपेयर दैट विद द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम, इसको तोड़ना कंपैरेटिवली आसान है, इसके लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, आसानी से टूट जाता है. तो रिएक्टिविटी जो कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम हैलोजन. तो कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से बॉन्ड टूट जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस लाइक दिस. इसकी फिर अगर हम रिकम्बिनेशन करते हैं तो उससे आपको प्रोडक्ट मिल सकता है. तो दीज वेयर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. अब हम क्या करते हैं, लेट्स कम टूवर्ड्स द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. वो रिएक्शंस एनालाइज कर लेते हैं जिसमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अपने आप को इन्वॉल्व करता है. रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में सबसे पहले हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट इट्स रिएक्शंस विथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. नंबर 1, रिएक्शंस विथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. पहली बात इसको क्लियर कर लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स. पढ़ा है आपने पहले बट आपकी रिविजन हो जाएगी. व्हेन वी यूज द वर्ड कार्बोनाइल कंपाउंड,
तो इसका मतलब क्या है? इट ओनली रेफर्स टू टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वो कौन कौन से हैं? एक मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड और दूसरा मॉलिक्यूल है कीटोन. एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? वी कैन रेफर टू देम एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स. तो यहां पर हमने एक विग्नाज रिएक्शन का रिएक्शन एनालाइज करना है विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. दैट्स पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, हमने देखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. बेसिकली जब हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ, इट इज used for preparing alcohols. Alcohols का preparatory method है जो hopefully जब हम alcohol वाला topic शुरू करेंगे तो उसमें ये चीज़ दोबारा repeat होगी. तो this is a preparatory method which is employed for the preparation of alcohols. अब कौन सा alcohol molecule produce होगा, ये depend करता है कि आपने कौन से carbonyl compound को combine किया है. तो let's analyze that step by step. तो reactions of carbonyl compounds में सबसे पहले हमने क्या करना है? We got to have a look at the reaction of विग्नाज रिएजेंट विथ फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं इसको फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड के साथ विग्नाज रिएजेंट को एनालाइज करना है. ठीक है, यहां पर भी दो पॉइंट्स समझ लें. पहला पॉइंट तो ये है कि फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, वो मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं. फॉर्मल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, जहां से इसका होमोलोगस सीरीज शुरू होता है. सबसे छोटा जो एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल है, इट इज रेफर्ड एज फॉर्मल्डिहाइड, जिसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, इट इज अटैच्ड विथ अ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है. ठीक है, और इसको आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, तो ये बात यहाँ पर मैं मैंशन कर देता हूँ कि फॉर्मल्डिहाइड इज बेसिकली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल मॉलिक्यूल. अब प्राइमरी अल्कोहल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को अगर आपने समझना है, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में एक बात क्लियर कर देते हैं कि जैसे मैंने ग्रिग्नाज रिएजेंट में आपको पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का बताया, इसी तरीके से जो एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल है उसमें प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मिलेंगी आपको कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर. सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं. कार्बोनाइल कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, कार्बोनाइल ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, तो ये रही बात इसके स्ट्रक्चर की. अब इसकी कॉम्बिनेशन हमने करनी है ग्रिग्नाज रिएजेंट के साथ. अब ग्रिग्नाज रिएजेंट में लेट अस यूज दिस मॉलिक्यूल जो ऊपर हमने मेंशन किया हुआ है, CH3MgBr. यहां पर भी हमने चार्जेस को क्लियर कर लिया, पार्शियल पॉजिटिव विद पार्शियल नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट. नाउ व्हेन यू रिएक्ट देम टुगेदर, रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपने क्लीव करना है कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम, जो मैंने आपको पहले बात बताई हुई है. ठीक है, अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के दरमियान जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इसका नतीजा क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस व्हिच लुक्स लाइक दिस, CH3 negative and MgBr positive. ये दो आपको आयंस मिल जाते हैं. अब इसमें this is electrophilic और ये न्यूक्लियोफिलिक है. Being a nucleophile, इसने जाके सीधा हमला करना है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर. तो CH3 negative आके जब हमला करेगा कार्बन इसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर, हमला करने का मतलब इट्स गोइंग टू गेट इटसेल्फ अटैच्ड विद इट. जब अटैच हो जाएगा तो इससे जो कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में वो टूट जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए इस MgBr को उठा के आपने इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है. नाउ व्हेन यू डू दिस, यू आर गोइंग टू गेट एन इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा विच इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, HCH. नीचे आपने यहां पर CH3 लगा दिया इसका, ऑक्सीजन का कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है जिसको बैलेंस करने के लिए आपने इसके साथ ये लगा दिया. Now, once this is produced, इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने इसका कराना है second step. This was step number one, which results in the formation of this unstable intermediate. Second step में आपने इस unstable intermediate की करनी होगी hydrolysis. Hydrolysis का मतलब इसका reaction आपने करना है पानी के साथ. पानी के साथ reaction करोगे तो आपको corresponding alcohol मिलेगा. तो इसको हम क्या कर लेते हैं, point number two को जो second step है, let me write over here like this, HC, ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज Mg और Br पॉजिटिव, और इसके साथ CH3 लगा हुआ है. अब इसकी कंबिनेशन हमने की किसके साथ? आई कंबाइन दिस विथ वाटर. पानी क्या करेगा? पानी अपने आप को स्प्लिट करेगा H और OH में. अब इस MgBr को यहां से निकालना है आपने, और इसकी कंबिनेशन आपने OH के साथ करनी है.
ठीक है। तो MgBr को जब हम OH के साथ कंबाइन करेंगे, इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन दिस Mg ऊपर OH नीचे Br। ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, इस प्रोडक्ट को जनरली इफ यू डोंट वांट टू स्पेसिफाई एनीथिंग, आप इसको क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल दिस मॉलिक्यूल एज अ Grignard's रेजिड्यू। इसको हम Grignard's रेजिड्यू कह सकते हैं, ठीक है, बकायजात जो रह जाती हैं आफ्टर द रिएक्शन। अब इसमें जो हाइड्रोजन रह गया है, इस हाइड्रोजन को उठा के आपने अटैच करना है इस ऑक्सीजन के साथ। नाउ व्हेन यू डू दैट, व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CH3, CH2 एंड OH, एथेनॉल का मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल बाय कंबाइनिंग फॉर्मल्डिहाइड विद अ Grignard's रिएजेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, वी गॉट टू कम टुवर्ड्स द सेकंड इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल कंपाउंड जिसकी कॉम्बिनेशन आपने Grignard's रिएजेंट के साथ करनी है, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो इसमें यहां पर ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। और इसका स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, फॉर्मल्डिहाइड को अगर आपने एसिटाल्डिहाइड में चेंज करना है, फंक्शनल ग्रुप बेसिकली रिमेन्स द सेम, सिर्फ आपने हाइड्रोजन की जगह CH3 को अटैच करना है, ठीक है। तो जब हम इस हाइड्रोजन को, यहां पर जो आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, इसको जब हम CH3 से रिप्लेस करते हैं तो मॉलिक्यूल जो बनेगा उसको एसिटाल्डिहाइड कहा जाता है। तो यू विल टेक CH3 डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर होते हैं। और इसकी कंबिनेशन दोबारा आपने की किसके साथ, यू कंबाइन दिस विथ CH3 Mg और Br, इसमें पार्शियल पॉजिटिव मैग्नीशियम के ऊपर और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस इन दोनों नॉन मेटल्स के ऊपर होता है। तो रिएक्शन को जब हम आगे लेके जाते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले स्टेप में बॉन्ड क्लीव होता है, CH3 को उठा के यहाँ पर अटैच करना है और MgBr को उठा के ऑक्सीजन पर अटैच करना है। तो इससे जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा आपको, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, CH3CH, यहाँ पर नीचे CH3 लग जाता है, ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नेगेटिव चार्ज और इसके साथ आपने MgBr को लगा दिया, इंटरमीडिएट हो गया प्रोड्यूस। अब इंटरमीडिएट की प्रोडक्शन के बाद फिर आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में लाइक्विडेड प्रीवियसली इसकी करनी होगी आपने हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी करते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, पॉजिटिव यहाँ पर अटैच किया आपने CH3 को और इसका रिएक्शन आपने करवाया पानी के साथ HOH। When you split it up, it's going to produce these two molecules. MgBr को OH के साथ जब combine किया आपने तो it produces MgOH Br, Grignard's residue बन जाएगा। और हाइड्रोजन को उठा के जब हम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करते हैं तो you will get this CH3, CH नीचे भी CH3 है और यहाँ पर OH अटैच हो जाता है। तो दिस वॉज अ मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आपको मिलता है व्हेन यू कंबाइन एसिटाल्डिहाइड विथ Grignard's रिएजेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स। और सबसे आखिर में टू कंक्लूड दिस रिएक्शन, आपने आखिर में रिएक्शन करवाना है एसीटोन का। एसीटोन इज अ कीटोन, इसकी कॉम्बिनेशन आपने करनी है Grignard's रिएजेंट के साथ। लेकिन एसीटोन के साथ आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अ टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल मॉलिक्यूल। कैसे मिलेगा आपको, उसके लिए पहले स्ट्रक्चर समझ लो एसीटोन का। एसीटोन्स स्ट्रक्चर इज गोइंग टू लुक लाइक द CH3 डबल बॉन्ड O एंड CH3। कार्बोनाइल के दोनों तरफ आपने क्या कर लिया, अल्काइल ग्रुप्स को अटैच कर लिया। पोलैरिटी वुड स्टिल बी एग्जिबिटेड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट ऑन द कीटोनिक मॉलिक्यूल। इसकी कॉम्बिनेशन फिर आपने की किसके साथ, कंबाइन दिस विथ CH3 Mg एंड Br, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। इसमें CH3 को उठा के आपने यहाँ पर अटैच करना है, MgBr को उठा के ऑक्सीजन पर जब लगाया आपने तो यू आर गोइंग टू गेट दिस CH3 कार्बन, CH3 नीचे भी एक CH3 लग जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड इसके साथ आपने MgBr को अटैच कर लिया।
ठीक है. सो दिस इज स्टेप नंबर वन, जिससे आपको ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो जाता है. और इंटरमीडिएट की प्रोडक्शन के बाद स्टेप नंबर टू में, एज वी हैव बीन डूइंग, यू गॉट टू कैलकुलेट या यू गॉट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस. इस मॉलिक्यूल का आपने हाइड्रोलाइसिस कर किया तो वो आपको ऐसे नजर आएगा, CH3, यहाँ पर भी CH3 है, CH3 विथ ऑक्सीजन नेगेटिव एंड MgBr पॉजिटिव. इसकी कॉम्बिनेशन जब हमने पानी के साथ की तो MgBr OH के साथ कंबाइन करके क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस MgOH Br प्रेगनेंस रेजिड्यू. हाइड्रोजन को उठा के वहां पर अटैच करोगे तो यू विल गेट द CH3 कार्बन, यहां पर भी CH3 और ये OH आपने अटैच कर दिया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड. तो ये तरीके हैं जिसके जरिए आप क्या करोगे, यू विल प्रोड्यूस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन रिस्पेक्टिवली. ठीक है, पहला रिएक्शन हो गया कंप्लीट. अब हमने आना है रिएक्शंस विद एस्टर्स की तरफ, उसको एनालाइज करना है. रिएक्शन विद एस्टर्स. एस्टर्स बेसिकली कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ. इफ यू वांट टू जनरली रिप्रेजेंट एन एस्टर मॉलिक्यूल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, RC OH विद एन ऑक्सीजन एंड एन R. दिस इज द जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर. एस्टर के मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे. और दूसरी बात इसमें समझ लें कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है आप इसे क्या कहोगे, यू विल कॉल इट एज अ कार्बोजाइल ग्रुप. कार्बोजाइल ग्रुप कहते हैं, तो कार्बोजाइल ग्रुप इसमें फंक्शनल ग्रुप है और इसको जनरली रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एस्टर विद अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है यहाँ पर दो स्टेप्स में. सबसे पहले स्टेप में लेट अस बी स्पेसिफिक अबाउट इट. नंबर वन, पहले केस में आपने आर की जगह CH3 डबल बॉन्ड ओ विद एन ऑक्सीजन और इसके साथ C2H5 को हमने मेंशन किया. एस्टर मतलब एक अल्काइल ग्रुप की जगह आपने CH3 लगाया, दूसरे अल्काइल ग्रुप की जगह C2H5 को अटैच कर दिया. अब इसकी कॉम्बिनेशन अगर हम उसी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मॉलिक्यूल के साथ करें, CH3 Mg और Br के साथ करें, तो इस केस में भी यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव. तो ये CH3 आके यहाँ पर अटैच होगा कार्बन के साथ, MgBr को उठा के इस ऑक्सीजन के साथ आपने अटैच करना है. नाउ व्हेन यू डू दिस व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको आप ऐसे बना सकते हो, CH3 कार्बन नीचे CH3 का लगा लो, इसके ऑक्सीजन है C2H5 और इसके साथ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड MgBr पॉजिटिव, ये प्रोड्यूस हो जाता है. अब हमने क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन. कीटोन में कन्वर्जन के लिए इसी इंटरमीडिएट का आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में कराओगे हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो इस मॉलिक्यूल को दोबारा लिख लेते हैं लाइक दिस, CH3 कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव MgBr लिखा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज O एंड C2H5 है और यहाँ पर आपने CH3 को मेंशन कर लिया. व्हेन यू कंबाइन दिस विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें होगा क्या, पानी अपने आप को स्प्लिट करेगा H में और OH में. करना ये आपने कि यहाँ से आपने MgBr को निकालना है, MgBr को निकाल के आप कंबाइन करोगे इसको OH के साथ. OH के साथ जब आप इसको कंबाइन करोगे तो इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रिग्नार्ड्स रेजिड्यू विच विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, OH और Br. ग्रिग्नार्ड्स रेजिड्यू बन गया. अब पीछे रह गया हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को आपने इंगेज करना है विद दिस अल्कोक्सी ग्रुप. C2H5 ऑक्सीजन को यहाँ से आपने निकालना है और निकाल के आप इसकी कंबिनेशन करोगे प्रोटॉन के साथ. हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करोगे इट्स गोइंग टू गिव यू अ मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH. एथेनॉल का मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है. एथेनॉल मिला, जब ये दो चीज़ें यहाँ से रिमूव होती हैं तो ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को इस्तेमाल करते हुए इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को चेंज करेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड में. नाउ व्हेन इट चेंजेस इट, इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 डबल बॉन्ड ओ एंड CH3. तो पहले स्टेप में ये दोनों स्टेप जो हमने बनाए हुए हैं ये एक ही स्टेप है एक्चुअली, जिसमें आपने एस्टर के मॉलिक्यूल को चेंज किया किसमें, यू चेंज इट इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन. ठीक है, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. सेकंड में मतलब इसको स्टेप नंबर 3 लिख लेते हैं, इसी आपने
कीटोनिक मॉलिक्यूल को लेना है और इसकी कम्बिनेशन आपने करनी है विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लाइक दिस। कम्बिनेशन करोगे, CH3 को उठा के यहाँ पर अटैच करना है और MgBr को इस ऑक्सीजन के साथ लगाना है। नाउ व्हेन यू डू दैट व्हाट विल यू गेट, CH3 कार्बन CH3, ठीक है, यहाँ पर भी CH3 आके अटैच हो जाता है ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज और इसके साथ MgBr पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ। अब लाइक वी हैव बीन डूइंग बिफोर, इस इंटरमीडिएट के आपने आखिरी स्टेप में करनी होगी हाइड्रोलिसिस। इसको दोबारा मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर कार्बन CH3, ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव, ठीक है। इसकी कम्बिनेशन जब हमने की पानी के मॉलिक्यूल के साथ HOH, तो MgBr यहाँ से रिमूव होता है, ये कंबाइन होता है OH के साथ टू प्रोड्यूस MgOHBr, Grignard's residue प्रोड्यूस हो गया और इस हाइड्रोजन को उठा के आपने अटैच किया ओवर हियर। इससे क्या होगा, इससे ये प्रोड्यूस होगा CH3 कार्बन CH3, ये भी CH3 हो जाता है और ये होगा OH, टर्शियरी अल्कोहल दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो एसेंशियली हमने जो यहाँ पर पढ़ा था एसीटोन का, वही चीज़ दोबारा यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलता है रिएक्शन विथ एस्टर्स में, दैट इज़ टर्शियरी अल्कोहल मॉलिक्यूल। बट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ टर्शियरी अल्कोहल मॉलिक्यूल आपने क्या करना होगा, पहले एस्टर को चेंज करना कीटोन में, फिर कीटोन का दोबारा जब रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ तो उससे आपको एस्टर का मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। नाउ वंस इट इज प्रोड्यूस्ड, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके बाद फिर आपने इसकी कम्बिनेशन आखिर में देखनी होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन जो है, इट इज एक्चुअली प्रिपरेटरी मेथड फॉर कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ जब हम कंबाइन करते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शंस को तो उससे अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिलते हैं। इसी तरीके से CO2 के साथ जो एंड प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ अ कार्बोजाइलिक एसिड मॉलिक्यूल। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, कार्बोजाइलिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाई द फॉर्मूला RC(O) विथ OH। इस फंक्शनल ग्रुप को कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हमने प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड विथ अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे करेंगे, लाइक दिस, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इज अ लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के ऊपर इंडिविजुअली पार्शियल पॉजिटिव होता है एंड ऑक्सीजन एटम्स हैव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ऑन देम। अब इसकी कॉम्बिनेशन आपने की CH3, Mg और Br के साथ, इट वुड हैव अ पार्शियल पॉजिटिव और इन दोनों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। जो हमने पहले किया था वही चीज़ दोबारा रिपीट करनी है। CH3 को उठा के आपने अटैच करना है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ और इन दोनों में से कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड को डबल से सिंगल में चेंज करना है। ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम को उसके साथ अटैच करना है। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी दिस, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके साथ हमने MgBr को लगा दिया। दिस वुड बी स्टेप नंबर वन। पहले स्टेप में आपने इंटरमीडिएट प्रोड्यूस कर दिया। अब लाइक वी हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट टू रिएक्शंस, इस इंटरमीडिएट को भी आपने क्या करना है, यू गॉट टू पास इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड स्टेप में इसको दोबारा लिख लेते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव MgBr हो गया प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ CH3, ठीक है। अब इसकी कम्बिनेशन जब हम करेंगे विथ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी के साथ जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो MgBr विल कंबाइन विथ OH, ठीक है, और हाइड्रोजन आके जब इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ लगेगा तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट CH3 C(O) विथ OH, सिरके का मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है एज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो इसके इस तरीके से आपने कार्बोजाइलिक एसिड को प्रिपेयर करना है यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइनिंग विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और इसी रिएक्शन के साथ आपका जो अल्काइल हैलाइड वाला पोर्शन था दैट गेट्स कंप्लीटेड। जितनी डिटेल उसमें मौजूद थी सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। होपफुली द नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर का दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे विच इज ऑल अबाउट अमाइंस। लेकिन तब तक अल्लाह हाफिज़।